हेलो दोस्तों, आप अच्छे ही होंगे। और आज आपके सामने लेके आया हूँ वक्रांगी लिमिटेड अपडेट लेके आया हूँ। बहुत लोगों का डिमांड था कि वक्रांगी पे आप अपडेट दे दीजिए। वक्रांगी पे आपके अनुसार ही वीडियो लेके आया हूँ, अपडेट लेके आया हूँ। वक्रांगी में जब मैं ये दिया था तो ये 25 रुपये के शेयर का भाव चल रहा था। खुद देख लीजिए, 25 रुपये पे चल रहा था। और उस समय मैंने आपको बाय का दिया था रिकमेंडेशन। उस समय कुछ अच्छी बातें भी थी इसमें, उनका वीडियो भी था। तो मेरा एक रिकमेंडेशन था कि एक शॉर्ट टर्म के लिए ये पिकअप तो पकड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए कोई ख़राब तो नहीं है। बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई भी अगर बाइंग किए होंगे 25 रुपये 35 पैसे पे, तो आज देखिए इसकी क्लोजिंग कितने पे, 37 रुपये 20 पैसे। ये मैंने आपको कब दिया था वीडियो? ये दिया था आपको 25 नवंबर 2018। और आज क्या चल रहा है? 5 नवंबर, सिर्फ 10 दिन में आपको अगर 52% का रिटर्न मिला। देखिए, अगर आपने 1000 शेयर भी लिया होता, पेपर ट्रेडिंग की होती या बाई पोजिशन किया होता और 24-30 के रेट से बाई किया रहता, जो कि आपका ये रेट है, यहाँ पे क्या है ये, एक बार रेट देख लेते हैं। ये रेट जो था 25-35, तो अगर ये आपने 25-35 पे बाई किया रहता, आज 37-20 का रेट है। आज क्या रेट है आप खुद देख लीजिए, आज का रेट क्या है, 37 रुपये 20 पैसे। तो अगर 37-20 का रेट होता तो आप 47% का गेन रहते, 11,000 रुपये कमाते। आप 25,000 लगाए रहते तो आज उसकी वैल्यू 37,000 होती। तो आपने 47% का रिटर्न सिर्फ आपने 12 दिन में कमा लिया, अगर किसी ने भी ये पोजीशन बनाई होगी। तो अब आगे क्या करना चाहिए? क्या इसमें रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? सर्किट पे अपर जा रहा है, बाइंग कंडीशन अभी भी है, ओनली बायर्स है, सेलर है ही नहीं इसमें। तो अब कैसी अपॉर्चुनिटी अपनी अपनानी चाहिए इसमें? अगर 47% का रिटर्न आ चुका है तो क्या इसको बुक करना चाहिए? वॉल्यूम में तो कोई कमी हो नहीं रही है। वॉल्यूम में पुराने डे से आप देखेंगे तो जहाँ पे 61 लाख 70 लाख का हो रहा था, वहाँ पे अब वॉल्यूम धीरे धीरे अब रिड्यूस हो रहा है, 39 लाख पे वॉल्यूम आ चुका है। तो अब इस पर क्या पोजीशन बनानी चाहिए, क्या लगता है आपको, कैसी पोजीशन बनानी चाहिए? डिलीवरी अब तो 51% बता रहा है, यहाँ पर लास्ट डे 51%, पहले 60-70 तक चला गया था। अभी भी यहाँ पे आज की डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 70.62% है। लेकिन आज सेलर भी खड़े हैं 2,69,704, अब सेलिंग पोजीशन भी बन रही है। और आज के हाई के बनाने के बाद इसका पीवी 11 है, पी अभी भी थोड़ा अगर 20 का इंडस्ट्री है तो 11 का है। तो मेरा अपना सजेशन है ये, क्योंकि इंडस्ट्री एज ए पॉइंट ऑफ व्यू मैं वापस एक बार इसके अगर सिंपल सी प्रोफाइल को बताऊं तो ये 3,753 करोड़ की कंपनी है। 35 रुपये का आपको 37 रुपये का ये प्राइस चल रहा है। याद रखिए, 515 से गिरा था, 22 का लो बनाया था। और डिविडेंड भी देती है ये कंपनी। और सेल्स ग्रोथ देखिए, 32% 33% का सेल्स ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44% है। तो ऐसी कंपनी खराब तो नहीं दिखती है। क्वार्टरली अगर इसके रिजल्ट की भी बात करें तो इसने कम से कम 5 करोड़ का एबिटा प्रॉफिट दिया था। अपने सेल अगर सेप्टेम्बर सेल को देखें तो बहुत कम हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। प्रॉफिट लॉस देखें तो अगर टोटल देखें तो अभी तक लास्ट ईयर पूरा 6,500 करोड़ का हुआ था और इसने 5,000 करोड़ का अभी तक कर चुका है। लेकिन अब इनकम इंटरेस्ट में देखें, माने एक्सपेंसेस में, तो बहुत कम है। इसकी अच्छी बात क्या है? वक्रांगी की कुछ तो अच्छी बात होगी, कुछ तो खराब बात होगी। तो इसकी अच्छी बात क्या है तो आप देखिए, कंपनी हैज रिड्यूस डेप्ट। इसने अपने डेप्ट को जीरो कर दिया, लगभग डेप्ट है नहीं, डेप्ट फ्री कंपनी है वर्चुअली। गुड क्वार्टर रिजल्ट दे रही है कंपनी, एज गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट, 45% से प्रॉफिट आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, लास्ट 3 ईयर का 29% है, ये इसकी अच्छी बात है। कैश फ्लो क्या है इसका? कैश फ्लो भी 294 है। आप जहाँ देखते हैं, आप टाटा मोटर्स को देखते हैं, 72,000 करोड़ है, तो वहाँ पे उसके पास 100-150-200 करोड़ का कैश है। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा टर्न ओवर करके आपको सेल दे करके, 6,000-7,000 करोड़ का सेल दे करके आपके पास 200 करोड़ का कैश रखती है। कैश रिच कंपनी है मतलब। तो कहीं से भी ये खराब अभी मेरे को दिख नहीं रही है। लेकिन ऐसा है क्या ये सीधा 500 पहुंच जाएगा? अगर 500 से ये गिरा है तो 500 पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा, कोई भी चीज नहीं पहुंच सकता। और उसके बाद इसमें जब आप देखें सर्किट, इसके ट्रेंड देखें चार्ट पे, जब ट्रेंड देखें तो कंटिन्यू से एक अपर सर्किट बन रही है, लेकिन वॉल्यूम बेस वैसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो आप देखेंगे, जो मैं डेली चार्ट पे इसको जब मैं देख रहा था, वीकली चार्ट पे, तो 45 रुपया का इसमें एक आपको रेसिस्टेंस है। ये रहा 45 रुपये, ये जो पे है ये 45 के आसपास। तो किसी को भी अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है
वो स्टॉप लॉस लगा के चले अपना। हो सकता है 45 वो क्रॉस नहीं करे और एक बार नीचे की ओर पोजीशन आपको दिखाए, तो 45 आपको स्टॉप लॉस लगाते हुए ऊपर की ओर जाना है और आपको ट्रेलिंग करना है, आपको अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना। अपने प्रॉफिट को 5 रुपये 4 रुपये नीचे रखिए, वो एक साथ गिरेगा तो 5% ही गिर सकता है, 5% की सर्किट लगती है। तो आज कितना रुपया बढ़ा है, आज जितना रुपया बढ़ा है आगे ऊपर चलते जाए तो वैसा आप माइनस करते जाए, 1 रुपया 75 पैसा। तो आप यहाँ पे 35 रुपये का सर्किट रख करके, बार रख करके आप इसको ट्रेल करके ऊपर की ओर जा सकते हैं। और 45 रुपये अगर ये क्रॉस करता है तो फिर आपको एक अच्छा खासा लेवल यहाँ से देखने को मिल सकता है, शायद 80 रुपये 90 रुपये तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने शॉर्ट टर्म में अगर इस तरह से हाइट लिया है इसने तो इतना इजी भी होगा इसके लिए, जब तक कि इसमें एक अच्छा कोई पोजीशन नहीं है। अगर मैं RSI देखूं तो बहुत बड़ा इस RSI ओवरसोल्ड पोजीशन में नहीं है, अच्छे पोजीशन में RSI भी है। अगर मैं RSI की बात करूं तो ये देखिए अपवर्ड है और ये सिर्फ 39% पे है, तो ये बहुत ज़्यादा भी कोई RSI निगेटिव नहीं है। अगर मैं आपको CCI देखूं, CCI भी देखूं तो कोई निगेटिव नहीं है, तो कहीं पर भी इसमें नेगेटिव पैटर्न अभी क्रिएट नहीं हुआ है। डर सिर्फ इस बात का है कि 45 पे जो रेसिस्टेंस है, उसका वीकली जो रेसिस्टेंस है 45 पे, वो कहीं जा करके टूटे नहीं, और अगर टूटेगा तो आपके सारे प्रॉफिट जो अभी तक आपने कमाया होगा वो हो सकता है वापस एक बार सर्किट में नीचे की ओर आ जाए और आप निकल नहीं पाएंगे। MACD भी देख लें, MACD भी क्रॉसओवर अच्छा खासा MACD दिखा रहा, पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है। ये देखिए अपसाइड गैप, कंटिन्यू गैप बना हुआ है, ऐसा कोई निगेटिव मुझे किसी भी हालत में पैटर्न पे तो नहीं दिखता है, तो ये 45 की ओर जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी प्रॉफिट में है तो अपने स्टॉप लॉस टेगर करते हुए आगे की ओर बढ़े। वक्राम की एक बहुत ही अच्छी कंपनी, आगे जाकर के जो अगर ये आपने जो जितने भी चैनल को बोली आप मेरे इस वीडियो में जाकर देखें, इसमें डिटेल मैंने बताया हुआ है कितने जगह वो कितने ब्रांचेज खोल रही है। अगर सारे ब्रांचेज खोलती है, काम करती है, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ये सारे ब्रांचेज खोलती है अपने, तो अच्छा खासा आपको यहाँ से रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो वक्रांगी में सिर्फ एक अपडेट था, आज देखेंगे। तो वक्रांगी आज अपने जो सर्किट पे कंटिन्यू बन रही है, तो आज कहाँ ये जब 22-23 रुपये पे हुआ करती थी, आज जा करके 37 रुपये पे क्लोजिंग दे रहा है। वॉल्यूम अच्छे खासा है, 45 रुपये का ये अपना दमखम रख सकता है, ये 45 रुपये तक दिखा सकता है जो चार्ट पे दिखा रहा है। मेरा कुछ नहीं कहना है, ये सिर्फ चार्ट का कहना है कि 45 रुपीज़ 28 पैसे जो है इसका चार्ट पे 21 दिन का डेमा है, अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर सेकंड डेमा को टच करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये 45 रुपीज़ किसी भी तरह क्रॉस करता है, यहाँ पे क्रॉस करता है, तो फिर आपको एक नए लेवल की यहाँ से जो फॉल किया था 116 रुपया, इसकी ओर जाने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, 45 क्रॉस करने दीजिए, अदरवाइज अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते चले, 45 से नीचे की ओर भी ले सकता है। ठीक वीडियो, ठीक है, ये सारे पेपर एजुकेशन पर्पज से थे, और कोई भी पोजीशन बनाने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। क्योंकि बहुत सारे अपडेट इसमें बात आ रही थी, बहुत सारे मैसेज आए थे, मैं सिर्फ इसके लिए आपके लिए वीडियो वक्रांगी पर अपडेट दे दिया कि वक्रांगी ऑलरेडी यहाँ से 47% अब जा चुका है अपने लो से। अगर मैं लो से बात करूँ, 22 रुपये 35 पैसे की बात करूँ, तो अगर मैं 22 रुपये 35 पैसा कहूँ तो ऑलरेडी 66% अब जा चुका है, तो यहाँ से और कितना जा सकता है। तो और इसमें जो गुंजाइश बची है सिर्फ 11-12% की गुंजाइश, जो 75% 80% तक जाता है इसका, 75% से ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर मैं 22-35 का 75% भी करूं तो ये 39 रुपया बनता है, 39 रुपये 11 पैसा। तो आपको 39 रुपये तक में तो मेरे अंदाज से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 75% से ऊपर ये जाएगा नहीं। तो 39 रुपये पे 75% होता है, और चार्ट पे अगेन आपको ये दिख रहा है कि 45 पे इसको रेसिस्टेंस है, 45 रुपीज़ पे इसको रेसिस्टेंस है। तो अब आपको जो यहाँ से किसी भी दिन आपको लगता है अगर प्रॉफिट है तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको। कुछ पोजीशन चाहे तो आप होल्ड कर सकते हैं, जितना प्रॉफिट आपको हुआ है उतना रुपया आप छोड़ सकते हैं, उतना रुपया आप शेयर में रखे रहें। तो आपका क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको कितना हो रहा है, 14,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 12,000 का हो रहा है, और शेयर की वैल्यू कितनी है, 14,000 है, और उसकी वैल्यू आज के डेट में 37 रुपया है, तो आप 400 शेयर छोड़ दीजिए, 400 शेयर छोड़ के आप बाकी आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एटलीस्ट आपका प्रिंसिपल आउट हो चुका होगा, आपने जो 22,000 लगाया वो निकाल लीजिए, आपने जो प्रिंसिपल लगाया उसको निकाल के प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। गिरता है तो आपका प्रॉफिट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, अपर जाएगा तो ट्रेलिंग लॉस लेके आप चलते रहिए।
तो दो तरीका है आपको इसको ट्रेड करने के लिए, आइदर आप इसको ₹3 से ट्रेलिंग ट्रेल करते चले, और कल मॉर्निंग में जब ये ओपन हो कल 6 तारीख को, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो एटलीस्ट जो प्रिंसिपल आपने लगाया है उतना प्रॉफिट बुक कर लें, और सिर्फ उसमें प्रॉफिट रहने दें, प्रॉफिट का शेयर मत निकालें, उसको रहने दें। तो आपको जाने को उसके बाद कुछ नहीं होगा, आने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। फिर वो नीचे की ओर जाता है, फिर आप नीचे बाय कीजिए और इसको एक्यूमुलेट कर लीजिएगा। फिर वापस आपको अगर मिलता है नीचे तो एक्यूमुलेट कीजिए। एक साथ कोई भी शेयर यहां से सीधा 80% का जम नहीं दिखाता है, वो किसी भी लेवल पे जाता है और सर्किट खुलता है। सर्किट खुलने के बाद वहां स्टे करता है, स्टे करने के बाद रोटेशन रहता है वहां, उसके बाद स्टे करने के बाद जब जाता है तो लगता है कि अब इसका बेस बन चुका है। ये कंटिन्यूअस सर्किट पे अप ट्रेंड चल रहा है, ये रुका नहीं है। गिरता है तो गिरेगा, तो कंटिन्यू गिरेगा 5% डाउन से, ये कंटिन्यू गिरेगा क्योंकि ये कैश का सर्किट, कैश का शेयर है, फ्यूचर का नहीं है। फ्यूचर का रहता तो इसकी लिमिट नहीं होती, क्योंकि कैश का है तो 5% की इसकी लिमिट है, वो उसी से गिरेगा। तो 5% के लिमिट से फिर डाउन होना चालू होगा, तो आप वहाँ फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, आप निकाल नहीं पाएंगे प्रॉफिट। आज ही मेरे दोस्त जो मेरे करीब थे, जो मुझे नज़दीक में थे, जिसने 23-24 रुपये पे इस पर पोजिशन बनाया था, आज उसने अपना प्रिंसिपल आउट कर लिया है, प्रॉफिट का जो अमाउंट है उतनी शेयर को रखा हुआ है। यही से मैं सजेशन अपने सभी और व्यूअर को दूंगा कि आप भी ऐसा कल मॉर्निंग को कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 39 रुपये यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो वहाँ पे अगर उसका 75% मतलब बॉटम से 75% रिटर्न आ चुका है, तो एक अच्छा खासा अप होता है जहाँ पे वो जाकर के पड़ा हुआ है। बस बाकी आप लोग अपने अपने कंसल्टेंट, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके ही आपने बाइक किया होगा, आप उनसे वापस कंसल्ट कर लें, मार्केट में और कोई न्यूज है तो उसे पता कर लें, और उसको देख करके अपनी ट्रेडिंग पोजीशन करें। बट मैं अगर रहता तो कल सुबह इसमें प्रॉफिट बुक कर लेता, और एटलीस्ट अपने प्रिंसिपल को निकाल लिया जाता। वीडियो देखने के लिए।